गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम अभी जो इंग्लिश का चैप्टर पढ़ रहे थे बी एडवेंचरस, तो उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने किए थे। अब आगे के क्वेश्चन आंसर्स हम आज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड द बियर रोर लाउडली। जो बालू था वो ऊंची आवाज़ में क्यों चिल्लाने लगा। बियर रोर loudly because he had heard the boys and he had smelled them too। क्योंकि उसने बालू ऊंची आवाज़ में इसलिए चिल्लाने लगा क्योंकि उसने उनको सुना था और उनको सूंघा भी था। Why did the boys not move at all? लड़के क्यों नहीं हिल रहे थे। The boys did not move because the bear was just 2 or 3 meters away from them। लड़के इसलिए नहीं मूव कर रहे थे, इसलिए नहीं हिले क्योंकि जो बालू था वो उनसे सिर्फ 2 या 3 मीटर की दूरी पे था। व्हाट डिड आतिफ पुल आउट ऑफ हिज पॉकेट, व्हाट डिड ही डू। आतिफ ने अपने से क्या निकाला, उसने क्या किया। आतिफ पुल्ड बिग पेपर बैग फ्रॉम हिज पॉकेट। आतिफ ने एक बड़ा पेपर बैग अपनी जेब से निकाला। He dropped the sweets on ground and starts to blow। उसने उसमें जो मिठाई रखी थी उसको नीचे गिरा दिया और इसको फुलाने लगा। Soon the bag was like big balloon। तो बहुत जल्द ही ये जो बैग था, पेपर बैग था, ये बलून की तरह फूल गया। And he hit it hard। और उसने इसको ज़ोर से मारा, बैलून को ज़ोर से मारा। Did the bear leave them alone? क्या बालू ने उनको अकेला छोड़ दिया। Yes, हाँ। On hearing the loud sound, जोर की आवाज़ सुनने के बाद he turns and goes back। वो मुड़ा और वापस चला गया। Did the boys reach the camp safely? क्या लड़के सुरक्षित कैंप पहुँच गए। Yes, the boys reached the camp सेफली। हाँ, लड़के सुरक्षित कैंप पहुँच गए थे। आप ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ और एक्सरसाइज है बुक की। चूज द राइट आंसर। गूगल देयर हैज़ मनी ट्रीज। बैक ऑन द ट्रैक मीन्स राइट ऑन राइट पाथ। द बॉयज रैन टुवर्ड्स द कैंप। ठीक है, ये इसके सही आंसर है। अब है वर्ड बिल्डिंग। मैच द एनिमल्स टू देयर क्राइज। ये जो यहाँ पर एक कॉलम ए में हमें कुछ एनिमल्स के नेम दिए हैं और उनकी आवाज़ें दी गई है, अब हमें इसको आपस में मिलाना है। बेयर ग्राउल्स, बेयर ग्राउल्स। मंकीज चैटर, लैम्स ब्लीट, कैमल्स ग्रंट, डॉग्स बार्क, काउज मू, हॉर्सेस ने। अब बेयर ग्राउल करते हैं, मंकीज चैटर करते हैं, लैम्स ब्लीट करते हैं, जो उनकी आवाज़ होती है उसको ब्लीट कहते हैं, जो वो चिल्लाने की आवाज़ निकालते हैं उसको ब्लीट कहते हैं। तो लैम्स ब्लीट करते हैं, कैमल्स ग्रंट करते हैं, डॉग्स बार्क करते हैं, काउज मू करते हैं और हॉर्सेस ने करते हैं। अब इनकी एग्जाम्पल्स हम बनाएंगे। मेक द सेंटेंसेस एज इन द एग्जाम्पल। ए मंकी चैटर्स, हम यहाँ पर लिखेंगे बियर ग्राउल्स लाउडली। चलो मैं आपको ये सेंटेंसेस लिखकर बताती हूँ। What's the writer? Yes.
जैसे कि पहला है बेयर ग्राउल्स, बेयर ग्राउल हम लिखेंगे बेयर ग्राउल्स इन जंगल। अब है सेकंड, सेकंड है मंकीज चैटर, वो लिखा है एग्जाम्पल में। अब है लैम्प्स ब्लीट, लैम्प्स ब्लीट। लैम्प्स ब्लीड व्हाइल ग्रेजिंग ग्रास। ठीक है, अब है थर्ड, क्या हमारे पास आ गया, थर्ड आ गया कैमल्स ग्रंट, कैमल्स ग्रंट, ग्रंट। तो इसमें हम लिखेंगे व्हाइल वॉकिंग इन अ लाइन मूल्स ग्रंट। अब पहला वाले में क्या लिखा मैंने, बियर ग्राउल, बियर ग्राउल्स इन जंगल। बियर आवाज दे रहा था, आवाज मार कर रहा था जंगल में। लैम्प्स ब्लीट, लैम्प्स आवाज कर रहे थे घास खाते हुए। केमल्स ग्रंट, चलते चलते केमल जो थे वो आवाज कर रहे थे, वो ग्रंट कर रहे थे। अबे फोर्थ, डॉग्स बार्क, डॉग्स बार्क, उसमें लिखेंगे डॉग्स बार्क मोर ड्यूरिंग नाइट, रात में कुत्ते ज्यादा भौंकते हैं। काउज मू, काउज मू। आई हर्ड काउज मू मैनी टाइम्स, मैंने गाय की आवाज बहुत बार सुनी। हॉर्सेस, ने
हॉर्सेस ने व्हाइल गेटिंग एंग्री घोड़े हिनहिना रहे थे जब वो गुस्से में आ रहे थे तो वो हिनहिना रहे थे। ठीक है बच्चों, तो ये सेंटेंसेस आप अपनी कॉपी पे लिखना, इनको लेकर जो ये हमने अनमोल से उनकी आवाज़ सुनी उनको लेकर। अब आगे वाली एक्सरसाइज करते हैं, इसकी नेक्स्ट वाली क्या है। ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है डी नंबर से ये वाली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।